न वर्दी का खौफ न कैमरे का डर, दिन दहाड़े पुलिस वाले को जान से मारने की दे दी धमकी। यूपी में दबंग अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि खुलेआम एक ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी को चाकू घोंपने की धमकी देने से कोई भी परहेज नहीं कर रहे हैं। जहां यूपी के संभल से एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक सवार पुलिस कर्मी द्वारा चालान काटने की बात सुनते ही नाराज हो गया एक शख्स और खुलेआम पुलिस कर्मी को चाकू घोंपने की धमकी देने लगा। पूरा मामला क्या है इसे जानने से पहले आइए वह वायरल वीडियो देख लेते हैं। और आज कल अब गाड़ी रोक ली ना, थोड़ा लगा कर लाऊंगा, पेड़ में उतर लूंगा। आज कल गाड़ी रोक ली तो वीडियो में आपने देखा कि कैसे ये जनाब दिन दहाड़े ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। धमकी देने वाला यह शख्स रईस अहमद बताया जा रहा है, जो पुलिसकर्मी को धमकाते हुए कह रहा है कि आगे से गाड़ी रोकी तो पेट में छुरा घोंप दूंगा। हालांकि इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह वायरल वीडियो संभल जिले का बताया जा रहा है। यहां चंदौसी कोतवाली इलाके में एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी चौंकाने वाली घटना सामने आई। दरअसल मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने वाहन चेकिंग अभियान के तहत एक बाइक सवार को रोका, जिस पर दो युवक सवार थे। जब कागजों की जाँच की गयी तो बाइक सवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिसकर्मी द्वारा चालान काटने की बात सुनते ही बाइक सवार नाराज हो गया और पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने लगा। इसके बाद बाइक सवार ने खुलेआम पुलिसकर्मी को धमकी दी कि आज के बाद अगर गाड़ी रोकी तो पेट में छुरा घोंप दूंगा। इस घटना का वीडियो पुलिसकर्मी ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला उच्च पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देशन पर धमकी देने वाले रईस अहमद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।